आनी आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 9534 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी साल 2021 में, जिसका एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन अर्थात टेंडर नोटिस करके एक नोटिस आता है जो 20 जुलाई 2020 को अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। आप जाकर कोई भी देख सकते हैं, 47 पेज का नोटिस है। 47 पेज के नोटिस में पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 10 पर आप जाइएगा। जब पेज नंबर 7 और पॉइंट नंबर 10 पर आप जाओगे तो आपको एक पता चलेगा कि एजेंसी एंड इट्स सब्सिडरीज मस्ट नॉट बी ब्लैकलिस्टेड और ऑन वर्क हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्लैश स्टेट गवर्नमेंट। जो भी एजेंसी इसका ठेका उठाएगी एग्जाम को कराने का, वो कंपनी, वो एजेंसी या उसकी कोई सहायक एजेंसी कभी भी किसी भी मामले में ब्लैकलिस्टेड ना हुई हो और ना ही उसे वर्क हॉलीडे होता है कि जब सरकार को किसी पे डाउट होता है तो वर्क हॉलीडे दे देती है, वो उसको ब्लैकलिस्ट नहीं करती। साफ तौर पर बोल रखा है कि वो ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए। अब टेंडर जाता है किस कंपनी को? टेंडर उस कंपनी को जाता है, सोचिएगा, विडंबना सोचिएगा, साल 2016 में उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती आई थी, उसका पेपर पहली बार जुलाई 2017 में आयोजित हुआ, 23 जुलाई को वो पेपर ऑनलाइन आ जाता है, ऐसे कंप्यूटर से कोई शेयर कर देता है, यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जाती है, पता चलता है यही कंपनी वो पेपर करा रही थी जुलाई 2017 में, एग्जैक्ट 4-4.5 साल पहले जब इसने 2021 वाली भर्ती का पेपर कराया है। उस कंपनी पे यूपी एसटीएफ उस समय बिता भी उसकी लीडर लीड कर रहे थे, छापे मारते, कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके ये एक रिपोर्ट आती है टाइम्स ऑफ इंडिया की 23 अगस्त 2017 को। इस रिपोर्ट में यूपीएसटीएफ क्या कहती है, बताती है कि ये कंपनी ने जो ठेका था वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दे दिया, भर्ती बोर्ड से ठेका खुद उठाया, उस ठेके को उठाने के बाद में हरियाणा हिसार के किसी ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को ठेका दे दिया गया। उन ठेकेदारों ने किसी के पास 50 कंप्यूटर, किसी के पास 100 कंप्यूटर, किसी के पास 30 कंप्यूटर, ऐसे उन्होंने सेंटर लिए और उन्होंने सेंटर बेच दिए। तुम्हारे पास 50 कंप्यूटर हैं, तुम अपने 50 कंप्यूटर लेकर उसके पास जाओ और पर कंप्यूटर उनको नकल कराने का ठेका ले आओ। लोग गिरफ्तार हुए, मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उस समय भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कि इन पर रासू का लगेगी, कंपनी बैन हो जाएगी। आप कोई भी गूगल करके देख सकते हैं, इन सबूतों में भी वो अटैच है। कंपनी बैन हो गई, कब कंपनी बैन हुई है? अगस्त या सितंबर 2017 में, समझे जी, कब बैन हो चुकी है? अगस्त या सितंबर 2017, वही एनसीआईटी जिसे भर्ती बोर्ड 2021 में अपनी टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करके दोबारा टेंडर दे देता है। किसकी शर्तों का उल्लंघन करके? टेंडर की शर्तों में। टेंडर में पॉइंट नंबर 10 पर लिखा है ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए और 4 साल पहले वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड हुई है, उसी को क्या दे दिया जाता है? और उसी एग्जाम में उसी प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड हुई है। दोबारा इन्होंने तब पेपर टीसीएस से कराया, बहुत ही बढ़िया पेपर हुआ, बहुत मेहनती अच्छे लोग सेलेक्टेड ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है जी। पहली चीज तो क्या आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा इसमें भर्ती बोर्ड की मिली भगत है? टेंडर मैंने तो पास नहीं किया, टेंडर अभ्यर्थियों ने तो पास नहीं किया, टेंडर की शर्तों को तो वही उल्लंघन कर सकता है ना जिसके हाथ में टेंडर पे साइन करने की पावर हो, वो भी टीसीएस जैसी क्वालिफाइड कंपनी को हटाकर जिसके पास आईएसओ जन कौन कौन से सर्टिफिकेट है। इसका मतलब पैसे लेके ही टेंडर आपने इसी कंपनी को दिया जो उत्तर प्रदेश में 4 साल पहले बैन हो चुकी है। चलो ये तो छोटी सी बात, एक और कंपनी थी साथ में जिसने बिड डाली थी, सीआईएल, और वो भी इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी थी, हाँ, उसको साइड हटा दिया गया। हाँ, मतलब उन सबको हटा के इसको दिया गया। मैं तो कह रहा हूँ ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका, साफ तौर पर ये चीज लिखी हुई है 47 पेज का, 13 का वो पड़ा हुआ है 20 जुलाई का, उस आरएफक्यू पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में आ जाता है, ये कंपनी सिर्फ वहां पर बैन नहीं हुई, पिछले साल इस कंपनी ने 3 एग्जाम कराए मध्य प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंटों के, और तीनों एग्जाम में इसमें क्या हुआ, एक कॉलेज के 10 बच्चे जिसके कॉलेज में 50% और जैसे यहां धांधली हुई है और उसके वहां 150 में से 147-148 ऐसे परसेंट ठीक करवाए, अभ्यर्थियों ने जैसा आप मांग उठा रहे हो ऐसे अभ्यर्थियों ने मांग उठाई, धरना प्रदर्शन करे, सरकार जागी और इसको फिर से रिजल्ट को बैक करके इस कंपनी को बैन किया गया।